हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, क्या बात है। कैसे भाजी, क्या हाल है भाजी, क्या हाल है जी। अच्छा, मुझे पता था कि आपसे ये लोग हैंडल नहीं होंगे, आखिर आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। ओए थर्मस जैसे मुंह वाले, मैंने तेरे थप्पड़ मारना मुंह पे। ये क्या कर रहा है तेरा बेटा इधर आके, भाई यहाँ पे आके बोल रहा है अभिषेक मेरे पापा है। बता इनको सबको तेरा बेटा है। मैं गरीब आदमी, मेरी चाय में उबाल नहीं आता, बेटा कहाँ से आएगा। तू अपने बच्चे को बच्चा नहीं मान रहा, इसको मानकर मुझे मिलेगा क्या। लोगों को जब से पता चला ना अभिषेक बच्चन इसके पापा हैं, घर में एलसीडी फ्रिज एसी सब कुछ आ गया। और वैसे भी पाजी बच्चे जो भगवान की देन होते हैं, आज नहीं तो अगले साल भगवान दे ही देगा। एलसीडी तो खरीदनी पड़ती है कि नहीं। चलो ठीक है सर, आप में से किसने इसको अपना बेटा बनाना वो बाद में डिसाइड कर लेंगे, लेकिन इसकी परवरिश के लिए जो 3 लाख रुपए खर्चा हुआ है वो आप मुझे दे दीजिए। चाय पिला पिला बड़ा कर दिया बच्चे को। नहीं आप सिर्फ खर्चा चाहिए कि खर्चे के साथ खर्चा पानी भी देना है। नहीं, 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 वो अपना वो फॉर्मूला है ना यूज करते हैं कि बाप को मारो तो बेटा सच उगलता है, वो ट्राई कर। अरे वही फॉर्मूला सही है, वही ट्राई करना चाहिए। आप सच्चाई चाय वालों को मत मारो ना, अब मेरा बाप नहीं तो किसी का बाप तो होगा ही ना। मैम मेरा एक सवाल है कि जो औरतें होती हैं वो हम मर्दों पे इतना शक क्यों करती हैं। आदमी थोड़ा सा भी मार्केट से लेट हो जाए उसी टाइम फोन करना शुरू करते हैं, हेलो कहाँ पे हो। आदमी कहता है यार मैं पान वाले के पास हूँ, चलो पान वाले से बात करवा। आदमी सोचता है यार शादी मैंने कराई है, मौजे पान वाला ले रहा है। वाह बहुत अच्छा, इनकी शक्ल में दम हो ना हो इनके बात में दम है। तो क्या आप भी मैं मेरा सवाल सानिया और फरहा दोनों से है, क्या है दुकान वाले दुकान ये तो हमको भी नहीं पता चला अभी तक। तो मेरा सवाल है इनकी क्या भी शायद यही कहती होगी ये है कौन। आपको शायद जवाब मिल गया है। देखिए ये हमारे सवाल का प्रॉपर जवाब नहीं है, हमें ये बताइए कि पहले ये बताइए प्रॉपर वर्ड आपको किसने बताया। अरे बात करनी होगी उसे पान वाले से, चल रहा होगा उसका कुछ तो, क्या हुआ। औरतों को फ्रीडम नहीं होती अफेयर करने की, लेकिन वो पान वाले से अफेयर करे। लेकिन पान वाले के साथ ना मुंह पे दाग आ जाते हैं। फिर से अनजान व्यक्ति कुछ पूछना चाहेंगे। जी जी मेरा सवाल है क्यों है। आप कौन हो। ठीक है जो औरतें हैं मेकअप में इतना टाइम लगाती हैं, लेकिन जब लड़का पसंद करना होता है तब भी इतना टाइम क्यों लगाती हैं वो। ताकि आपके जैसा पति ना मिल जाए। वैसा फटे दूध जैसा मुंह लेके वैसा ही सवाल पूछा आपने। मैं आपको खुद ही तरह कहता हूँ शेट आप। जी वसीम भाई कैसे हैं आप, क्या हाल है जी आपका। बिल्कुल ठीक ठाक भाभी, नमस्कार। कैसे हैं आप। ओए हाजी भाभी तू कैसे, तू ज्यादा रिश्तेदार बन रहा है। बोल मालिक मालकिन बोल तू क्या तू। अच्छा पाजी मुझे एक बात नहीं समझ आती कि जब एक फॉरनर और एक फॉरेन जाने वाला बंदा बात कर रहे होते हैं तो बीच में स्ट्रीट लेवल के बंदे बात क्यों करते हैं। ये तो जाएगा फॉरेन पाजी, इसका 4 बार वीजा रिजेक्ट हो चुका है भूटान का। भूटान का इस बार तो ना जो ऑफिसर था ना उसने इसके मुंह पर रिजेक्शन मारा। अजी ऐसा कुछ नहीं, हंसाने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। फिर भी ये बोल दे कि मुंह पे ठप्पा लाया, जहां असली लगाया था ना, मैं बता दूं ना हंसी फिर ज्यादा आएगी। खैर बाबी जी आप चाय के साथ क्या लेंगी। यस प्लीज। ओए वो ऑस्ट्रेलिया से इंग्लिश में बात कर। ओके आप चाय के साथ क्या लेंगी। ओए ये कौन सी इंग्लिश, ऐसे कौन बोलता है। क्यों मैंने लगान पिक्चर देखी है, उसमें सारे अंग्रेज ऐसे इंग्लिश बोल रहे थे। भाभी जी वट वुड यू अपना चाय के साथ क्या लेंगी। शक्करपारा, मठियाँ, नान खटाई। कुछ नहीं शुक्रिया।
नान खटाई भी नहीं. यू नो अबाउट नान खटाई? हाँ. नान खटाई इज जस्ट लाइक बिस्कुट. हाँ. इट इज बिस्कुट. बिस्कुट चीनी वाला चाय में डालकर ज्यादा देर डालो तो उसका नीचे वाला हिस्सा बीच में गिर जाता है. मेड अप ऑफ मैडा. मैडा मीन्स कजन ऑफ आटा. एंड इट हैज गॉट स्वेलिंग प्रॉब्लम लाइक एंड लिव्स इन मर्दबान फॉर द 5 years. Like he lived in a pipe for 10 years. Now you know he has a huge fan following in rats and mosquitoes. जी सर. ओए ये कहाँ से निकाले तूने? क्वेश्चन सारे गर्म कर दिए तूने. पारी अगर मैं चाय गर्मा गर्म दे सकता हूँ तो क्वेश्चन गर्मा गर्म क्यों नहीं दे सकता हूँ? सही है. तो सबसे पहला सवाल है, सबसे आपको अच्छी टांगे किसकी लगती है, जैकनील फर्नांडिस या फिर तंदूरी चिकन? मुझे फिलहाल आपकी टांगे बहुत अच्छी लग रही हैं. नजर ना लगे टिक्का लगवा दो वहां. तो मुझे लग रहा आप कौन सी फिल्म बना सकते हैं? इंटरवल. तुझे लेके बड़ी बड़ी फिल्में बन सकती है एक्चुअली. करण सर की सारी फिल्में देख लो. ये ग्लास कब धुलेंगे? कब कब धोता है? कभी बिस्कुट कभी मट्ठी, कभी चूल्हा कभी भट्टी. प्रियंका प्लीज, आप मेरी इज्जत आपके हाथ में है. आप थोड़ा सा ये कह दो कि चंदू मैं तुम्हें हॉलीवुड लेकर जा रही हूँ, मेरी थोड़ी रिस्पेक्ट बन जाएगी. एक्चुअली रियली गुड आइडिया चंदू. जो मेरे स्पॉट बॉय थे ना, उनका उनका भी वीजा रिन्यू नहीं हुआ है. मैं उनका वीजा लगवा दूंगा, आप मुझे ले जाएं बस. तो आप उनकी जगह आ सकते हैं. उनकी सीट पे? आप उनकी सीट पे भी बैठ सकते हैं. आपको बस मेरा बैग पकड़ना है बस. ठीक है, बाद में फिर फिल्म में काम करना है ना. हॉलीवुड तो सब कोई भी जा सकता है. आप बताओ क्या करो. क्या करना? आप एयरपोर्ट जाओ, बोलो आपको हॉलीवुड की टिकट चाहिए. अच्छा. वो एक्चुअली आपको हॉलीवुड की टिकट दे देंगे, क्योंकि लोगों को पता नहीं हॉलीवुड एक्चुअली एक जगह है. अच्छा, आप ऐसे कहते हॉलीवुड. आपने बताया. I'm running American accent. You rascal, you just got out from here. वैसे प्रियंका हमारे शो में आज तक नहीं हुआ, लेकिन आज आप चाहें तो इसे गाली दे सकती हैं, हम बीप करके चला देंगे. You can abuse him. मेरे को तो abuse नहीं करना आता. मुझे लगता है मैं abuse करना आता है मेरे को. देखा, ये मेरे लिए स्वीटनेस आता है. इनको इनको मैंने देखा कपिल शर्मा को गाली देते हुए. प्रियंका जी, मैं अपना सामान पैक कर लूं? हाँ जी, तू कर ही ले. वो तो लेके जाए ना जाए, तुझे मैं तो निकाल ही रहा हूँ आज. रेडी हो जाओ. मैं लेकर जा रहा हूँ, तो मैं अपना सामान पैक कर रहा हूँ. बस इतना सा खाना था आपने? हाँ जी, बस इधर रख दीजिए. मीठा है ना इसलिए. ठीक है, आपके लिए पानी और लेकर आऊँ? इतनी गंदी तेरा मुझे लगा ना आज. पहली बार मुझे कोई स्कर्ट गंदी लगी है. क्यों? ऊपर से ऐसे मेरे मुंह की तरफ करके गिलास उठाया. पानी आ गया. सर, मेरी केतली भर दीजिए, सारी जिंदगी आपको चाय पिलाता रहूंगा. चल, तेरी चाय के लिए पानी नहीं, हमारे बच्चा दफा हो जाए. तो इसमें क्या मछलियां पालनी है आपने? भाजी वैसे आपको 4 बोतल वोडका के साथ आना चाहिए था. नहीं, आजकल मैं पानी बांट रहा हूँ. तेरा टूने टोटके जैसा मुंह, तू वोडका पिएगा? तू अपना काम कर जाके. जब दो बिजनेसमैन बातें कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए आपको. और सुनाइए हानी पाजी, क्या चल रहा है आजकल? मेरा तो सब हिट चल रहा है, तेरा क्या चल रहा है आजकल? मेरी तो पाजी दुकान चल रही है. शर्मा जी, आपका क्या चल रहा है? गर्दन इधर उधर ही होती है क्या? इधर भी होती है. ऊपर बोर्ड नहीं देखा? मेरा चल रहा है तो तेरी चाय की दुकान चल रही है. मैं पाजी जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मैं ऊपर नहीं देखता हूँ. जमीन से तो जुड़ेगा, हैंडपंप जैसा मुंह है. बदतमीज आदमी को बड़ा आदमी आता है, इंट्रोडक्शन देते हैं अपनी. एक्चुअली आई एम शेख चंदू. शेख चंदू? आई एम द ओनर ऑफ दुबई टी स्टॉल. और हनी पाजी, आपको पता हमारे यहाँ चाय असेंबल की जाती है. असेंबल? हाँ जी. कुछ नहीं पाजी, इसने बड़े बड़े शब्द सीख लिए, हर जगह फिट कर देता. परसों पजामे में नाड़ा डाल रहा था,
कहता मैं पजामा असेंबल कर रहा हूँ, फिर पजामा पहना नाला कट गया, पजामा गिरा, कहता मैंने कच्चा ब्रॉडकास्ट किया है। इसको कुछ नहीं आता, फालतू बकवास करता है। मेरी बात सुनिए, आप इनकी बातें मत सुनिए, आइए मैं आपको चाय की रिफाइनरी दिखाता हूँ। रिफाइनरी? रिफाइनरी कौन सा, 40,000 स्क्वायर फीट में बनी भाई, ये 4x4 का खोखा है, उसमें से 2x2 की जगह रात को कुत्तों को सोने के लिए देता है, वो बदले में इसको बिस्कुट दे देते हैं, वो ये ग्राहकों को बेचता है, ये इसकी असलियत। पाजी मैं कुत्तों को इसलिए सोने के लिए देता हूँ, कभी कभी ये सोने के लिए आ जाते हैं। अरे दुबई टी स्टाल, इसका मुंह देखो, ऊंट के कुबड़ जैसा मुंह हो गया इसका, आजकल कोई भी चाय वाला बन जाता है मैंने देखा। वैसे पाजी इनको पता नहीं है कि हमारे देश में चाय बेचने वालों की क्या कीमत है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.